पकौड़ा इज समथिंग जो हम सभी का फेवरेट होता है, लेकिन समटाइम्स जब हम इसे बनाते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कभी तो हमें इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती और कभी जो रिक्वायर्ड कलर हमें होता है वो नहीं आ पाता। तो आज की इस रेसिपी में आपको बताऊंगी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप किस तरीके से एक परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी घर पर बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक टू नो द परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिलिशियस कढ़ी पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलिशियस कढ़ी पकौड़ा, सो लेट्स मेक इट। यहाँ कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 कप के बराबर घी। आप चाहें तो ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर 1 कप भरकर घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी के लिए जो हमें रिक्वायर्ड एक ऊपर जो इसके ऑयल फ्लोट कर रहा होता है या जब तरी की ज़रूरत होती है वो इसी वजह से आती है कि अगर हम घी या ऑयल की मिकदार को थोड़ा ज़्यादा रखें तो। अब जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म हुआ, इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन डाल दिया है। अब इसको हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है 2 से 3 मिनट तक। प्याज जब तक हमारा सॉफ्ट हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब कढ़ी का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसमें मैं 1/2 किलो के करीब जो है वो ऐड कर दूंगी योगर्ट। दही मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद 2 बड़े चम्मच भरकर हमें लेना है इसमें बेसन। और इसके साथ साथ ही इसमें जाएगा ये 1 ग्लास के करीब पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। यहाँ पर कढ़ी का बैटर तो हमारा हो गया है रेडी। अब हम अपने प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज हमारा यहाँ पर सॉफ्ट हो रहा है और इसी दौरान हम इसमें ऐड करेंगे ये चम्मच, 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक इसमें ऐड नहीं करनी, लहसुन का 1 चम्मच भरकर आपने इसमें ऐड करना है। फ्रेश कूटना है इसको और अब इसको सौते करना है 2 से 3 मिनट तक। जी, अब 2 से 3 मिनट तक लहसुन और प्याज को पकाने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस ले रही हूँ। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी आप लोगों ने 1/2 टीस्पून लेनी है ताकि इसमें ये जो हमें परफेक्ट एक कलर चाहिए होता है कढ़ी में वो इसी की वजह से आएगा। समटाइम्स हम समझते हैं कि जो परफेक्ट कलर हमें चाहिए होता है कढ़ी के लिए उसके लिए हम बेसन की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और रिक्वायर्ड कलर भी हमें नहीं मिल पाता। तो ये एक टिप है कि आप जो है हल्दी की क्वांटिटी को हमेशा ठीक रखें ताकि एक अच्छा सा जो कढ़ी का कलर होता है वो आ सके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और अब इन मसालों के साथ हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भूनना है। आप देख सकते हैं मसाले डालते ही हमारा जो ऑयल का कलर है बहुत अच्छा सा येलो हो चुका है और यही कलर हमें रिक्वायर्ड होता है एक परफेक्ट कढ़ी के लिए। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट तक अपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनने के बाद अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें जो दही का बैटर हमने रेडी किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन दही के बैटर को ऐड करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम उस बैटर को ऐड करेंगे तो आपने उसको ग्रेजुअली ऐड करना है, आहिस्ता आहिस्ता, और चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि हमारा जो दही है वो इसमें जाकर फटे नहीं। इस तरीके से अब मैं इसमें ऐड करूँगी और चम्मच को हिलाती रहूँगी। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपने दही को ऐड करना है।
और चम्मच को आपने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना इस स्टेज के ऊपर। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से चम्मच को हिलाते रहना है, अनलेस के इसमें बॉयल ना आ जाए। चले जी, यहाँ पर चम्मच को हिलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी कढ़ी को हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर आपने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो पर, और आपने इस कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ी जो है वो पकने के दौरान गिरे नहीं, तो आप इस तरीके से लकड़ी का चम्मच इसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर आप लिड रख दें, ताकि जो है आपकी कढ़ी को बॉईल भी आता रहे हल्की आंच के ऊपर और वो गिरे नहीं। कढ़ी जब तक हमारी हल्की आंच पर रेडी हो रही है, मैंने अपने पकोड़े पहले से ही रेडी कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पकोड़ों को पहले से रेडी कर लिया है। और अगर आपको ये क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी चाहिए, तो सिंपल आप सर्च बार में लिखिए ढाबा स्टाइल मिक्स पकोड़ा बाय ऑब्सेशन विद कुकिंग, तो आपको बहुत आसानी के साथ इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैं पहले भी अपने चैनल के ऊपर इस रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद अब हम कढ़ी की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी जो कढ़ी है वो थिक हो चुकी है, और मज़ीद हमें इसे 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे टू गेट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ आवर कढ़ी। और जब तक हमारी कढ़ी 5 से 7 मिनट तक यहाँ पर हल्की आंच पर बन रही है, हम जल्दी से इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। जी, यहाँ पर तड़का रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और इसमें मैं यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है, इसमें हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें पकाना है। चलें जी, 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद पकाने के बाद अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये तड़का जो हमने रेडी किया है। देयर यू कैन सी आवर परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा इज़ रेडी टू सर्व। मैंने इसे इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में मैं सर्व कर रही हूँ इन अ ट्रेडिशनल वे। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं इस तरीके से ऊपर तड़का के साथ। बस ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।